तो करते हैं विस्तार से गतिविधि की ओर। पहले सितंबर 1971 को अस्तित्व में आए हमीरपुर जिला का अपना उत्सव को मनाने के लिए दिख रही बेरुखी पर राजनीति शुरू हो गई है। राज्य स्तरीय हमीर उत्सव को मनाने को लेकर हमीरपुर में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने दिख रही है, जिस कारण बयानबाजी का दौर जारी हो गया है। राज्य स्तरीय हमीर उत्सव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने हमीर उत्सव की आड़ में लोगों के रसीदे काट कर धन कमाने का जरिया करार दिया है, तो बीजेपी विधायक नरेंद्र ठाकुर ने इस बार हमीर उत्सव 6 और 7 दिसंबर को आयोजित होगा और इसके लिए तैयारियां पूरी की जा रही हैं। पहली सितंबर 1971 को अस्तित्व में आए हमीरपुर जिला का अपना उत्सव को मनाने के लिए दिख रही बेरुखी पर राजनीति शुरू हो गई है। राज्य स्तरीय हमीर उत्सव को मनाने को लेकर हमीरपुर में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने दिख रही है, जिसका कारण बयानबाजी का दौर जारी हो गया है। राज्य स्तरीय हमीर उत्सव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने हमीर उत्सव की आड़ में लोगों की रसीदें काट कर धन कमाने का जरिया करार दिया है, तो बीजेपी विधायक नरेंद्र ठाकुर ने इस बार हमीर उत्सव 6 और 7 दिसंबर को आयोजित होगा और इसके लिए तैयारियां पूरी की जा रही हैं। राज्य स्तरीय हमीर उत्सव को लेकर कांग्रेस पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने आरोप लगाया कि हमीर उत्सव के नाम पर लोगों की पैसों की पर्चियां काटी जा रही हैं, लेकिन हमीर उत्सव करवाने के लिए प्रशासन हामी नहीं भर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय में हमीर उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन पहली सितंबर की बजाय हमीर उत्सव को नवंबर में भी नहीं मनाया गया, जिससे जिला के स्थापना दिवस को मनाने के लिए प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। बड़े दुख से खाद कहना पड़ता है कि जब जब भी भाजपा सत्ता में आई है, हमीरपुर के नाम से लोग, हमीरपुर के लोगों ने भाजपा को दिल खोल के वोट देती है। एक बार भाजपा आई शांता कुमार के नाम से मुख्यमंत्री बने, तो उस वक्त हमीर उत्सव बंद कर दिया था टोटली। फिर कांग्रेस सत्ता में आई तो उसने दोबारा चालू किया। माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी थे और शिक्षा मंत्री नयाचंद प्रासद जी थे, दोबारा इसको चालू किया। पहली सितंबर 1972 को ये जिला जो अस्तित्व में आया था, और उसके बाद 95 के लेके आज तक ये लगातार चलता रहा। पिछले साल इन्होंने फिर नहीं किया क्योंकि भाजपा सत्ता में है। हमीरपुर के साथ ये हमेशा ही एक घिनौना खेल खेलते हैं, और आज भी हमने जब भी उपायुक्त के बयान पढ़े, अभी तक भी कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है कि भी होगा कि नहीं होगा, और इसका जो दिन ना वो तो निकल गया है, अब कोई दिसंबर की बात आ रही है। पर ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर ये उत्सव नहीं होना है तो उन्होंने लोगों की रसीदें क्यों काटी, उस पैसे का क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, और क्यों नहीं होना है, ये हमीरपुर के गौरव की बात है हमीर उत्सव। वहीं बीजेपी हमीरपुर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि हमीर उत्सव इस बार 6 और 7 दिसंबर को मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमीर उत्सव को मनाने के लिए देरी हुई है, लेकिन हमीर उत्सव के लिए खर्चा रेड क्रॉस के माध्यम से एकत्रित किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस बार बाहरी कलाकारों को ज्यादा पैसा देने से समस्या पेश आती है, लेकिन इस बार बढ़िया तरीके से उत्सव मनाया जाएगा। ऐसा है, हमीर उत्सव लास्ट ईयर भी हुआ था और हमीर उत्सव इस बार भी हो रहा है। शायद कल इसका फैसला भी हो चुका है। 6-7 दिसंबर को हमीरपुर में हमीर उत्सव होने जा रहा है। पीछे डिले हुआ है ये, लेकिन आपको ये भी पता है कि हमीर उत्सव का जो एक्सपेंडिचर है वो कैसे किया जाता है। लोगों से रेड क्रॉस के जरिए पैसा लिया जाता है, और अगर इसको फंक्शन को जैसे करवाते हैं, लगभग मेरे हिसाब से 1 करोड़ रुपए का खर्चा आता है इसका। कई बार इस चीज का भी हमें विरोध का सामना करना पड़ता है कि वे लोगों से पैसे लेकर हमीर उत्सव, बाहर के लोग आके सारा पैसा ले जाते हैं। और वैसा आप सबको पता है कि जो भी यहाँ पर जो प्रोग्राम नाइट को देते हैं, बाहर की पार्टी आती है और एक एक पार्टी 5-5, 7-7 लाख रुपए 1 घंटे का लेके जाती है, तो इस बात का भी हमें कई बार सामना लोगों का करना पड़ता है। तो इस बार हमने बड़ा सोच समझ के ये फैसला किया है कि हमारा पैसा बाहर जाने के बजाय यहीं रहे, तो हमने इसका थोड़ा स्वरूप ही बदला है
और हमीर उत्सव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सब कुछ देखकर ही हमें इस चीज़ का फैसला लेना पड़ता है। लास्ट ईयर शायद आप भूल गए होंगे कि प्रेस के ही जरिए हमें बार बार ये सुनने को मिलता था कि गरीब लोगों से पैसा कलेक्ट किया जा रहा है, तो बिना पैसे से फंक्शन अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है। और हमारा जो हमीर उत्सव है, जैसे ट्रेडिशनली चलता आया है पिछले 15-20 साल से, तो इसका लोगों के द्वारा ही फंड कलेक्ट करके इसका आयोजन किया जाता है हमेशा। तो हमारी ये कोशिश है कि लोगों के ऊपर, हमारे अपने लोगों के ऊपर बोझ कम पड़े और इसका जो भी खर्चा है और जो लोग हम बुलाएंगे वो लोग भी हमारे ही हों और उन्हीं को इसका फ़ायदा मिले, ये हमारा इसका कराने का मेन तात्पर्य।